action of the Minister for Interior to a matter of urgent public importance regarding the law and order situation in the country, especially in Noshki, Balochistan, Kashmir, Sindh, causing grave concern amongst the public. Thank you, sir. Ji, on behalf of Minister for Interior, Law Minister, is pe a brief statement dijiye. The Balochistan government is taking steps to punish the terrorist involved in the Noshki incident. Federal government is extending all help to the government of Balochistan through various federal institutions whenever and wherever it is required. Efforts are underway to dismantle the infrastructure of the terrorist organization in the area, sir. इसी तरह सर कश्मीर के हवाले से भी जो सिंध पुलिस है, they have been engaged to take effective legal measures against the criminals in Kashmir district. The Sindh police has launched an operation in this regard, which is continuing. It is assumed that criminals will be brought to justice. No. Or sir, federal government ki jo agencies hain, dono jagahon pe sir, federal government agencies are on their toes to support the provincial governments. And needless to say ke ye provincial subjects hain, to unme jitni support chahiye federation ki, wo di ja rahi hai. ये बड़े पुराने इश्यूज हैं, वक्त के साथ साथ ये हल होंगे। बहुत शुक्रिया। रईसानी साहब एक सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसे आपको पता है कि नौजवान को आपने मौका दिया है, उम्मीद है कि आगे भी नौजवानों को मौका देंगे। जनाब स्पीकर, आज से एक क्वेश्चन कीजिए इनको। जी जी, क्वेश्चन इज जनाब स्पीकर, हम जब बलूचिस्तान से निकलते हैं तो हम अपने, शायद यहाँ पर किसी ने कफन देखा नहीं है, हम अपने घरों से निकल कर कफन बांध कर सरों पर निकलते हैं। तो द क्वेश्चन इज, द एनिमी हैज क्लियर प्लान्स which is to sabotage the peace of Balochistan, which is to, Allah forbid, to separate Balochistan from Pakistan. Ji. To derail our youth from us. What is the question? The question is, what plans do we have for the enemy, Janab Speaker? Ji, Law Minister sir, on behalf of Interior Minister. Thank you so much, Mr. Speaker. Sir, देखिए ये एक दो रोज की कहानी नहीं है, unfortunately. पिछले चार दहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दी के निशाने पे है, और इसमें अगर हम अपनी याददाश्त पे ज़ोर दें तो इसी ऐवान में सिक्योरिटी ब्रीफिंग करवाई गई गुज़िश्ता हुकूमत, जिसकी तरफ से आज नुमाइंदगी हो रही है उधर मेरे खड़े दोस्त, और वो दहशतगर्द जिन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके और अपने बेटों के खून बहा के उन दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर धकेला था, उन्हें हज़ारों की तादाद में लाकर वापस लाकर आबाद करवाया गया और एक बार फिर एक्सपोज कर दिया गया पाकिस्तान के मासूम शहरियों को कि उनके कश्तों खून से खेला जाए। गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, सिक्योरिटी अदारे, हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों के शाना बशाना इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं। हम रोज़ देखते हैं कि जिस तरह हमारे खूबरू नौजवान वर्दी पहन के मुल्क की सरहदों की और अंदरूनी सरहदों की और खलफशारों की कलाकुमी की कोशिशें कर रहे हैं और जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, सर ये ज़ीरो इसमें टॉलरेंस है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। जी असद आलम नियाजी साहब एक सवाल कीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा एक क्वेश्चन है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट कश्मीर एंड जैकबाबाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जी सर, हमारे यहाँ आए दिन मर्डर्स, किडनैपिंग्स और रैंसम की कॉल्स आ रही हैं। हमारी बिजनेस कम्युनिटी और मिनॉरिटीज़ बहुत खौफ ज़दा हैं। जी सवाल क्या है? सर सवाल ये है कि इस टाइम वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, मगर पुलिस को वहाँ पे मिलिट्री ग्रेड वेपन्स की ज़रूरत है, विच इज़ अ प्रोविजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। एंड साथ ही साथ सिंस कश्मीर इज़ अ ट्राई बॉर्डर एरिया, तो वहाँ से जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो क्रिमिनल्स एस्केप टू पंजाब और टू बलूचिस्तान। सो वी नीड अ कलेक्टिव एंड अ नेशनल पॉलिसी ऑन दिस। शुक्रिया जी। मजारी साहब, मैंने तो असद आलम नियाजी साहब का नाम लिया था तो आप खड़े हो गए।
जी मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए। ऑपरेशंस हैं वो ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और सूबाई हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ का एहसास करते हुए कमाका हो उस पर अपना काम कर रही है। वज़ारत दाखला की बिल्कुल क्लैरिटी है इस पर कि जिस किस्म की सपोर्ट दरकार थी, दरकार है और दरकार होगी विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ एंड रूल्स, फेडरल गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और करती रहेगी। जहाँ तक ताल्लुक है मिलिट्री ग्रेड वेपनरी या आर्मामेंट्स और जो व्हीकल्स हैं उनका, उसके लिए एक प्रोसीजर है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंगेजमेंट होती है और फिर फेडरल गवर्नमेंट उसे करती है। कई ऐसे मौके आए जब ज़रूरत महसूस की गई, लेकिन ये इसका इस्तेमाल सर बड़े एहतियात के साथ और एक रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत होता है जी। जैसे गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट आती है सर उसको एग्जामिन किया जाता है। लेकिन मैं फिर बात ख़त्म करते हुए, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट 100% सपोर्ट फराहम कर रही है और करती रहेगी। वेन एवर दे आर सॉट फर्दर हेल्प वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी असद न्याजी साहब एक सवाल कीजिए। जनाब स्पीकर थैंक यू सो वेरी मच जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये प्रोविंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम उनको फुली सपोर्ट करेंगे। सर मैं ये समझता हूँ और मेरा क्वेश्चन भी यही है कि ये जो नौशकी में ईद के तीसरे दिन जो वाक़या हुआ है, ये रात के टाइम बसों से उतार के वो शनाख्ती कार्ड चेक करते रहे और जो लोग पंजाब से थे उनको मारा गया। सर ये हमें देखना है। सवाल आपके ये क्या? सवाल मेरा ये है सर, ये इतना आसान नहीं है। वी हैव टू गो इन दी डीप रूट कॉज और वो हमें फेडरल लेवल पे जाना होगा, बिकॉज ये मैं ये समझता हूँ कि ये जब इंडिया में इलेक्शन होता है तो हमारे यहाँ टेररिज्म की हिस्ट्री उठा के देख लें कि ये टेररिज्म की एक वेव आती है। व्हाट इज द क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज कि फेडरल गवर्नमेंट शुड गिव अ इंटरनेशनली दिस थिंग कि ये ईरान जो इंडिया है उसकी जो एजेंसी है रॉ की, ये सब कुछ वो करवा रहे हैं सर, और हमें अपने फॉरेन ऑफिस को ये हर जगह पे वेदर इट्स अ यूएन, वेदर इट्स अ डोकेना, जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उसके सामने ये पॉइंट लेके जाना चाहिए। दूसरी बात सर, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के 30 कौंसल जनरल 30 कौंसलेट हैं सर, क्या वो कौंसलेट जो बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? वो कुछ टूरिज्म के लिए बनाए गए हैं 30? ये इंडिया के अफगानिस्तान के अलावा किसी मुल्क में इतने ज्यादा नहीं है। तो आई थिंक वी नीड थैंक यू मिनिस्टर वेरी वेरी क्लियरली मिनिस्टर लॉ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। जो पाकिस्तान में हुकूमती निज़ाम है वो आईने पाकिस्तान के तहत चलाया जाता है, उसमें रूल्स ऑफ बिजनेसेस हैं, एलोकेटेड एरियाज हैं। मैंने सिर्फ ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरीली सूबों की जिम्मेदारी है और फेडरल गवर्नमेंट हर वक्त दस्तयाब है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और फेडरल गवर्नमेंट ने कभी कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया। वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है वो मौजूद रही है, मौजूद है और मौजूद रहेगी। दूसरी बात जो कही कि टेररिज्म जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर उसकी स्पॉन्सरिंग होती है, जब भी सर किसी इंसिडेंट में ट्रेसेस मिलते हैं तो उसका एक तरीकाकार है। वजारत खारजा ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज वो उस मुल्क के फॉरेन जो एनवॉय हैं, हमारे मुल्क में सफ़ीर हैं, उनको बुला के एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, और यही सर एक तरीकाकार है जो कि राइज है पूरी दुनिया में। दूसरी बात मौजज़ फाजल रुकन ने की, अफ़गानिस्तान में जो काउंसिल खाने खुले हुए हैं
नेचुरली ये एक सॉवरन स्टेट है अफ़गानिस्तान, और उसका एक दूसरी सॉवरन फॉरेन स्टेट के साथ किस तरह का वो रिश्ता ताल्लुक़ रखना चाहते हैं ये डिसीजन उनका है। जब वो पाकिस्तान की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की हद तक थ्रेटनिंग बनते हैं तो पाकिस्तान फ्लैग रेज करता है और हम अप्रोप्रिएट फोरम पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी शुक्रिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मूव आइटम नंबर 3।